एवरी बॉडी वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ अनुज आपका फ्रेंड दोस्तों ये मेरे प्रोनाशिएशन uh, क्लास का वीडियो नंबर फाइव है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अंग्रेजी के वो शब्द जो एम ए एन से एंड होते हैं सो दोस्तों वो सिंगल एम ए एन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जो एंड होते हैं एम ए एन से जो सफिक्स एम ए एन से एंड होते हैं शब्द उनका उच्चारण मैन नहीं होता है उनका उच्चारण होता है मन राइट right? ये आप देख रहे हो मन और ये है सिंबल जो अंग्रेजी में लिखा रहता है ये एम उल्टा ई e, एन आप देख रहे हो म उसके बाद ये अ है अ के नीचे हलंत का चिन्ह है सिंबल इसका मतलब ये अ आधा अ हो जाता है उसके बाद न है तो क्या है मन और राइट मैं सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ सिंगल आएगा तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मैन ये जब शब्द खत्म करता है ठीक है एंडिंग विद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग विद एम एन ओ राइट तो ऐसे शब्दों को हम उच्चारण करेंगे मन और तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो पहला वर्ड है ये है वॉचमन वॉचमन तो हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वर्ड को वॉच मैन बोलते थे ठीक है तो दोस्तों आपसे आपको क्या प्रनाउंस करना है इसको इसको बोलना है वॉचमन अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो अगर वो एम ए एन से एंड हो रहा है तो उसका उच्चारण मैन ना होकर के मन होता है देखिए मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में इसका सिंबल लिखा हुआ है ये सिंबल सीखने के लिए मेरा आपको स्पोकन और uh, इंग्लिश का सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसमें से आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड फर्स्ट से लेकर के थर्ड नंबर तक की वीडियोस देखनी है आपको सिंबल समझ में आ जाएंगे इसी के सहायता से हम प्रनाउंस करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी में तो इसको ये देख रहे हो आप लिखा हुआ है वा, वाह वाह ठीक है वाच मन ये देख रहे हो अ के नीचे हलंद का चिनान है सिंबल है इसका मतलब अ आधा अ हो जाता है ठीक है क्योंकि एम के बाद उल्टा ही है तो ये आधा अ है ठीक है तो आपको कैसे बोलना है वॉचमन वाचमन और राइट सेकेंड वर्ड जो हमारा है हाउ डू यू प्रनाउंस दिस वर्ड गाइस इस हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसको पुलिस बोल देते हैं लेकिन दोस्तों ये पुलिस नहीं होता है ठीक है इसको भी हमें बोलना है इसको हमें बोलना है पुलिस ठीक है तो आप कैसे बोलेंगे इसको पलिस मन ये मैन के लिए मैंने बताया कि अगर वो एंड में आ रहा है तो उसका उच्चारण मैन ना होकर के मन होगा ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये प पे आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा इसके ऊपर भी पहले नंबर पे स्ट्रेस था इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेस पे ठीक है तो इस पर हमें स्ट्रेस करना है पहले पे यानी प पे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फ्लीस मन ये देख रहा हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में पुलिस म के बाद आधा अ है क्योंकि इसमें आपको ये पूरा आ नहीं पड़ना है मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ कि अ के नीचे जो सिंबल है ये हलंत का चिन्ह है जिसके भी नीचे ये लग जाता है जिस भी शब्द में जिस भी अक्षर में तो ये क्या हो जाता है ये वो अक्षर आधा हो जाता है ठीक है तो कैसे बोलना है आपको पुलिसमैन पुलिसमैन ठीक है ये क्या है इस पर आपको स्ट्रेस देना है ही और ये पुलिस नहीं ये है पुलिस पुलिसमैन ठीक अगला जो वर्ड हमारा है ये है जेंटलमैन देख रहे हो आप जेंटलमैन इसको आपको जेंटलमैन नहीं बोलना है देखिए एक दोस्तों ये छः की तरह एक सिंबल होता है अंग्रेजी में इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए अगर वो सिंपल ई होता तो उसको हम प्रोनाउंस करते ए तब ये हो जाता जे जब के ऊपर ए की मात्रा जेंटलमैन ठीक है और ये क्या है ये छ की देर है तो ए की हो जाएगा ठीक है ये ए की मात्रा है और यहाँ पर स्ट्रेस देना है पहले लेटर पर तो ये क्या हो जाएगा जेंटलमैन जेंटलमैन ठीक है आप देख रहे हो मे आगे आधा अ है तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप जेंटलमैन जेंटलमैन ऑलराइट नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्पोर्ट्समन स्पोर्ट्समन ठीक है ये देखिए मैंने अंग्रेजी में सिंबल्स लिखे हैं ठीक है इन सिंबल्स को पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको मेरी स्पोकन इज स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज़ है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग से देखना है चार वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये सिंबल्स ठीक है कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समन ठीक और जो लास्ट हमारा है ये है फिशमैन फिशमन ठीक है फिश एस एच वाला बोलना है आपको देख रहे आप फिशमन ठीक ये अंग्रेजी में आपको ऐसा लिखा रहेगा इसमें आर भी साइलेंट है ठीक है ये देख रहे हो आप ये आर ये भी साइलेंट है तो आपको कैसे बोलना है ये देखिए अंग्रेजी में सिंबल है तो आपको बोलना है फिशमन फिशमन ठीक है फिशमन और राइट फिशर फिशमन ठीक है फिशमन और राइट सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टिल देन टेक केयर थैंक यू सो मच